क्योंकि हमेशा ना कोई बंदा अगर न्यू बाइक मतलब नया बाइक नहीं उसके लिए नया जो यूज बाइक लेना चाहता है ना हमेशा मतलब उनको पहुंच जाता है, चोट पहुंच जाता है ज्यादातर। क्या बोलूं, ये जो बाइक है ना भाई दर्द देने वाला बाइक है, दर्द सीरियसली यार। इस भाई हायाबुसा ये ओरिजिनल अपना वाला है ना मॉडिफाइड। चलो 1 2 3 लाइफ में फर्स्ट टाइम को इतना घुमा दिया। मतलब वैसा कंटेंट आज तक मैंने नहीं किया उस टाइप का एंड उसके ऊपर सीरियसली, एंड बहुत ही रेयर है वो चीज जिसके ऊपर कंटेंट आएगा। सो गाइस फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए अगेन एक वीडियो लेके विथ माय हायाबुसा, एंड आई एम प्लानिंग समथिंग जो कि अभी नहीं बताता हूँ, एक बार काम हो जाने देते उसका बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो चीज़ बहुत ही मस्त होने वाला है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेट्स सी कैसे कैसे सीन है, बट अगर हो जाता है ना भाई वो तो पूरा धमाल मच जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी, चलो निकलते हैं। तो इन तीनों का जो यूजेस होता है किस तरीके से यूज किया जाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस बैम्बू टिश्यूज आप टिश्यू एक करके निकाल सकते हो एंड आपका ये फेस पे अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह करो मतलब पसीना पोंछने के लिए या फिर कुछ भी आप मतलब कम एज से ज्यादा एज तक सभी इसको यूज कर सकते हैं। टोटली केमिकल फ्री है, कोई हार्मफुल केमिकल इसमें यूज नहीं होता है। एंड गाइस अभी इन दोनों का यूजेस आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। सो गाइस आप इसको कुछ इस तरीके से टैप करके एंड देन इसको थोड़ा सा रब करना है आपको, जस्ट कुछ सेकेंड का बाद है, बस इसको कुछ इस तरीके से वॉश करना है एंड देख सकते हो पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। एंड गाइस ये देख सकते हो ये पानी का कितना ज्यादा रस इसमें लग चुका है। एंड हियर इज द प्रोडक्ट, ये जस्ट आपको कुछ इस तरीके से टैप करना है एंड देन कुछ इस तरीके से आपको रब करना है, ये देख सकते हैं। एंड गाइस इसका रिजल्ट देख सकते हैं आप, कितना ज्यादा क्लीन हो चुका है एंड पूरा चमक रहा है अभी। एंड गाइस ये तीनों प्रोडक्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बैम्बू टिश्यूज, डिशवॉशर एंड स्प्रे स्क्रब जो कि मैंने अभी दिखाया। अगर कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट इसमें यूज नहीं किया जाता है, हार्मफुल केमिकल इसमें यूज नहीं किया जाता है, आप फ्रीली सेफली यूज कर सकते हो ये सब चीज एंड कम एज से ज्यादा एज तक कोई भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो जरूर से जाओ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाओ एंड परचेस करो एंड यूज करो। Good morning to you and I hope all guys are doing very well. थूका या क्या फेंका भाई पता नहीं बहुत गंदा लगता है भाई मेरे को ये चीज, क्योंकि कारोबार से थूकता है ना भाई, देख के थूकना चाहिए, सीट पूरा सीट चीज है भाई अभी क्या है ना वेदर बहुत ही सही हो चुका है भाई। अभी बज रहा है कितना, अभी 3:30 ऐसा कुछ बज रहा है एंड देख सकते हो बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन भाई एकदम ही गर्मी नहीं है, बहुत ही चिल वेदर है एकदम। हेलो हाय, सो गाइस सामने देख सकते हो वो है हायाबुसा जो कि मेरे पास भी था भाई, ठीक है, वो अपने पास फर्स्ट मतलब बड़ा बाइक अगर बोल सकते हो ना तो वही था अभी अलहमदिल्ला ये है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो वही था। हाँ हाँ एकदम थैंक यू। हाँ हाँ तो बसे जाओ। सो भाई अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं यार, इस भाई हायाबुसा ये ओरिजिनल अपना वाला है ना मॉडिफाइड, ये हेवसांग, यस ये हायाबुसा नहीं, ये हेवसांग, ये एक टाइम पे ना बहुत अलग चीज़ था भाई, बहुत ज़्यादा क्रेज था एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना अपने पास भी था हेवसांग, बहुत ही सही बाइक है भाई, मतलब बाइक एकदम ही सही नहीं है, सच बोलूँ तो बाइक एकदम ही सही नहीं है एंड ये कहाँ का है नहीं पता, अपना हावड़ा रजिस्टर ही है बट अलग सीन है भाई, मतलब क्या बोलूँ, ये जो बाइक है ना भाई दर्द देने वाला बाइक है, दर्द सीरियसली। पहले अपने पास भी मॉडिफाइड था, चलो थैंक यू, ओके थैंक यू। तो पहले अपने पास भी वो था मॉडिफाइड, मॉडिफाइड नहीं है वो ओरिजिनल है, बट अलहमदिल्ला अभी जो है
माशाल्लाह है। चलो सब किसी का टाइम आता है, धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है सीढ़ी, तो इसको भी बहुत ज़्यादा मानो शुगर भाई का, जल्दबाजी मत करो भाई, सोच समझ के। और हमेशा मैंने एक चीज़ देखा है कि मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से सुपर बाइक चला रहा हूँ, तो इस इंडस्ट्री में जो चीज़ है ना कि कोई बंदा अगर फर्स्ट सुपर बाइक न्यू बाइक लेता है ना तो अलग सीन है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बंदा बहुत मतलब कोशिश करके मेहनत करके पैसा जमा करके इस तरीके से अगर कोई बाइक ले रहे हो ना सुपर बाइक, भाई थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और थोड़ा जमा करो, आपका जो बजट है ना उससे थोड़ा ऊपर बजट करो एंड एक सही बाइक लो। क्योंकि हमेशा ना कोई बंदा अगर न्यू बाइक मतलब नया बाइक नहीं, उसके लिए नया जो यूज बाइक लेना चाहता है ना, हमेशा मतलब उनको पहुंच जाता है, चोट पहुंच जाता है ज़्यादातर, ताकि एकदम मिंट कंडीशन का बाइक लो, जल्दबाजी में कोई उल्टा फुल्टा बाइक मत लो, वो आपका नुकसान है पूरा। तो सामने चलते हैं, सामने मिलेगा अपना बबलू भाई सामने मिलेगा। बबलू भाई भी बहुत लाखों सालों बाद ट्रेनर लेके निकलेगा, तो मैंने बोला चलो आज प्लान है एक जगह जाने का। पहले कहाँ जाते हैं, वो अपना एक भाई का डिलीवरी है अपना ओमिदा का, वो डिलीवरी के बाद देखते हैं प्लान बनाएंगे कोई। सो गाइस भाई लोग आ चुका है एंड निकल चुके हैं अभी भाई का कार का डिलीवरी लेने, एंड हियर इज बबलू भाई विद ZX ट्रेनर। चलो चलो, बहुत लाउड है भाई ये। हाय मलिक, हाय मलिक, चलो वीडियो वीडियो इसको सही तरीके से बोलो ना तो सुनाई नहीं देता है। जोर से भागो, जोर से भागो, हाँ ऐसे ही चाहिए रील वाला। কোথায় চাকাতলায় গাড়ি কোথায় 5000 ভাইয়া কা গাড়ি কি দাঁড়িয়েছে হাম লোকা ভাগ তেরা উল্টা পুল্টা চলতা ভাই তুম भाई का गाड़ी इधर है, भाई का गाड़ी इधर है। क्या गाड़ी है भाई, इसमें लग रहा है कि इनोवा है, 100% इनोवा है। ये है फॉर्चूनर गाइस, इसमें मज़ा अलग है। वाइट और ब्लैक दोनों में से कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट कौन सा है, वाइट फॉर्चूनर या फिर ब्लैक फॉर्चूनर। हाँ भाई, रियाज मलिक को बोलो ये गाड़ी खरीदने के लिए। रियाज मलिक का बहुत पैसा है भाई, वो रहता है ऐसा लो इसी सानरूप नहीं है पैसा नहीं, ये यही एक दिक्कत है। इसमें बैठ के ना भाई वो बड़ा बड़ा फील नहीं आता है, एंडेवर में बहुत स्पेस है एंड उसमें आता भी है, बहुत कम है। हम लोग हम अगर मिडिल में बैठे ना वो मेरा सर टच हो जाता है। हाँ डील डन, वन टू थ्री कार का जो डिलीवरी था अपना 5000 का डिलीवरी था कार का, तो डिलीवरी डन। अभी चलते अपना अभी घर नहीं जाएंगे, थोड़ा न्यू टाउन साइड जाएंगे, उधर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, लेट्स सी देखते हैं कौन सा जगह जा पाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा भाई चारों तरफ ना पूजा के लिए, बहुत ज़्यादा भाई कैमरा में ना क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा ये साइड ना पूरा ऑरेंज दिख रहा है, कैमरा में ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ओरिजिनली उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा जैसे अंदर अंदर होता है ना ओरिजिनली वैसे लग रहा है, कैमरा में थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है पता नहीं क्यों। सो जो भी हो कैमरा में बहुत सही लग रहा है भाई दिखने में। आ चुके हैं CC2, क्या भाई पूरा सजाया हुआ है, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, पूरा ग्रीन ऊपर येलो, वेरी नाइस। और इकोबर साइड ना और ज्यादा सजाया होगा, लेट्स सी। Mm-hmm.
भाई एक्सपीरियंस कैसा था? भाई एक्सपीरियंस बहुत गंदा था भाई, मेरा दिल में पत्थर लग गया भाई। लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई इतना घुमा दिया। पगला हल्का है समझ लो भाई। सीरियसली मैंने जब घुमाया ना, मैं सोचा तो अलग ही सीन था, तो जो भी हो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो अभी थर्ड शॉल्ड में आ चुके भाई लोग, थोड़ा बैठेंगे और दो भाई आ रहा है, थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। ओए 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 यस आ चुके घर पे। एंड यस ये जो वीडियो है ना, वीडियो कुछ दिन लेट आ रहा है, मतलब कम से कम 3-4-5 दिन करके लेट आ रहा है। इतना लेट आएगा नहीं पक्का, आप लोग जानते हो जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे को बहुत दिन से फॉलो करते हो। मैं ना पहले एक एक दिन बार बार वीडियो देता था, मतलब महीने में 14-15 वीडियो देता था। यस 14-15, अभी वैसा है नहीं। एंड गाइस वैसा वीडियो फिर से आएगा, और कुछ दिन वेट कर लो और 1-2 महीना करीब फिर इंशाल्लाह पूरा कोशिश करेंगे वैसा वीडियो। एंड सामने विंटर सीजन आ रहा है, अपना प्लान भी बन चुका है। होपफुली सिर्फ दुआ करना कि सब कुछ सही रहे, तो बहुत ही जल्द एक बहुत ही एडवेंचरस रोड ट्रिप करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ सही रहे। तो लेट्स सी कैसे क्या सीन है। एंड हिंदी चैनल बंगाली चैनल दोनों में फुल ऑन वीडियो आएगा, और कुछ दिन 1-2 महीने के अंदर ही अंदर। 1 महीना ओकेशन चल रहा था, पूजा चल रहा था, इसके लिए थोड़ा बहुत वीडियो नहीं आ पाया, एंड मेरा भी थोड़ा पर्सनल रीजन से नहीं आ पाया। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, वो एकदम अलग कंटेंट होगा, मतलब वैसा कंटेंट आज तक मैंने नहीं किया उस टाइप का, एंड उसके ऊपर सीरियसली, एंड बहुत ही रेयर है वो चीज जिसके ऊपर कंटेंट आएगा। सो लेट्स सी, आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो अगर कोई कारण से अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइट गाइस, बाय।